गुड मॉर्निंग बच्चों, चैप्टर 8 रनिंग चल रहा है और इसमें हम इम्यूनिटी टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी काफी अच्छे कंटेंट के साथ दी गई है। ठीक है, इम्यूनिटी क्या है? नेचुरल कैपेबिलिटी है हमारे अंदर रोगों से लड़ने की। इट इज द डिजीज रेजिस्टेंस पावर ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की रोगों से लड़ने की जो कैपेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इननेट इम्यूनिटी होती है वो हमारे अंदर जन्म से पाई जाती है, जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो हम अपने लाइफ जीने के दौरान एक्वायर करते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमारी लिम्फोसाइट सेल्स रेस्पॉन्सिबल है, बी एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स। टी लिम्फोसाइट सेल्स को मेमोरी सेल्स कहते हैं, जो कि मेमोरी रखती है किसी भी बीमारी के इंफेक्शन की। और टी लिम्फोसाइट सेल्स बी लिम्फोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करती है टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। अंडरस्टूड? और एंटीबॉडीज जो है इंफेक्शन के अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट और स्पेशली वायरसेस के अगेंस्ट हमें बचाती है। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडीज है बी लिम्फोसाइट्स की, ये हमारे ब्लड में पाई जाती है और इस रेस्पॉन्स को हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स। ओके, और जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रोल प्ले करती है। हमारे अंदर किसी भी बाहरी ऑर्गन, बाहरी एजेंट को अंदर एंटर आने से उसको रिजेक्ट करती है। तो किसी का ऑर्गन अगर खराब हो जाता है और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो ये चांसेस रहते हैं कि बॉडी उसको रिजेक्ट कर दे। तो इसे हम कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है टी लिम्फोसाइट सेल्स, और इसीलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है, जिससे उसका इम्यून सिस्टम कंट्रोल रहे और वो रिजेक्ट ना करे बाहरी ऑर्गन को। ठीक है, हाँ जी, चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि एक मैंने आपको बताया था एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, एक मैंने आपको बताया था वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, है ना। तो एक्टिव इम्यूनिटी तो क्या है कि आपकी बॉडी में पहली बार कोई इन्फेक्शन हुआ और उस इन्फेक्शन के दौरान आप बीमार भी पड़े, ठीक है, और लेकिन उस दौरान जो एंटीबॉडीज बनी है वो फिर आगे भी आपको अगेन उस बीमारी से बचाती हैं। तो ये तो हो गई एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी होती है कि अगर बाहर से अगर कोई वैक्सीन या बाहर से अगर आपको कोई मेडिसिन दी जाती है या प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जाती हैं, ऑलरेडी मेड एंटीबॉडीज दी जाती हैं और फिर आपका बचाव होता है किसी डिजीज से, तो इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं और इसे पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन का कॉन्सेप्ट यह है कि जो भी पैथोजन है उसको किल करके, उसको वीक करके, उसके एक्सट्रैक्ट को तैयार करके इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी हेल्दी व्यक्ति में, ठीक है ना, हमारे इम्यून सिस्टम को फूल बनाया जाता है, ठीक ना, बेवकूफ बनाया जाता है हमारे इम्यून सिस्टम को। हमारा इम्यून सिस्टम ये सोचता है कि बाहर से कोई पैथोजन आया है, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में तो वैक्सीन के अंदर किल्ड माइक्रोब्स हैं, किल्ड किल्ड पैथोजन है, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, फिर रेस्पॉन्स शो करती है और एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर जाती है। तो इस तरीके से एक एंटीबॉडीज की आर्मी तैयार हो जाती है बॉडी में। तो रियल इन्फेक्शन जब इन फ्यूचर होता है तो हम प्रोटेक्टेड रहते हैं, हम बचाव हमारा हो जाता है, ठीक है। आज बच्चों नया टॉपिक लेंगे एलर्जी। अच्छा, एक चीज और, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी चैप्टर 11 और 12 में हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडस्ट्रियल स्केल्स पर वैक्सीन का प्रोडक्शन करवाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं एलर्जी। बच्चों एलर्जी क्या है? एलर्जी क्या है? एक एग्जाग्रेटेड रेस्पॉन्स है अपनी बॉडी का, हमारी बॉडी का किसी भी बाहरी फैक्टर या एजेंट को रिफ्लेक्ट करना, ये क्या है? एलर्जी है। जैसे कि आप कहीं गए
और अचानक से वहां क्या हुआ कि आपको छींकें आने लग गई, स्नीजिंग होना शुरू हो गया, आंख में पानी आना शुरू हो गया, तो ये क्या है, एलर्जी है। हो सकता है कि वहां पर माइट्स हो सकता है वहां पर डस्ट हो, या हो सकता है कि एयर के अंदर कुछ ऐसी गैसेज हो जिससे आपकी आंखों में जलन स्टार्ट हो गई और वहां पर आपको पानी आना शुरू हो गया। कई लोगों के साथ ये होता है कि जैसे ही वो धूप में जाते हैं तो उनके रैशेज हो जाते हैं, ठीक है, हिस्टामाइन के रिलीज के कारण से स्किन पर, तो वहां पर फिर क्या है कि उनको इरिटेशन होता है और वो फिर बचने की कोशिश करते हैं। कई लोगों को गेहूं से एलर्जी होती है, गेहूं में एक प्रोटीन होती है ग्लूटीन, तो ग्लूटीन प्रोटीन से एलर्जी होती है लोगों को और इस डिजीज को कहते हैं सीलिएक। तो गेहूं वो खाते हैं तो वो लगता नहीं है शरीर को, शरीर की ग्रोथ नहीं होती है, बॉडी एज इट इज ही पड़ी रहती है। तो फिर डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि गेहूं के फूड को अवॉइड किया जाए, गेहूं के अलावा राइस है, मेज है, दूसरा जो सिरिल है उनको यूज किया जाए भोजन के अंदर, ठीक है। कई लोगों को दूध की एलर्जी होती है, तो ये एलर्जी क्या है, एलर्जी इज द एग्जैगरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ आर बॉडी, हमारी बॉडी का ये रेस्पॉन्स है जो कि बाहरी कोई भी ऐसा एजेंट है उसको वो रिफ्लेक्ट करती है बॉडी से बाहर, ठीक है। और जनरली एलर्जी के दौरान हमारी जो सेल्स हैं, जो मास्क सेल्स हैं, हिस्टामिन सीरोटोनिन ये केमिकल्स रिलीज करते हैं एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान। एक तरीके से एलर्जी हमको बताती भी है, एलर्जी हमें कोई ऐसा फैक्टर या एजेंट है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, एलर्जी के द्वारा हम उससे बच जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो एलर्जी भी एक तरीके का इम्यून रेस्पॉन्स ही है हमारी बॉडी का, ठीक है बच्चों। चलिए, तो एलर्जी के अंदर बच्चों जो एंटीबॉडीज काम करती है वो है IgE। ये कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है, विच एंटीबॉडी वर्क इन द एलर्जी एलर्जिक रेस्पॉन्सेज। तो IgE एंटीबॉडी जो है एलर्जी रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ओके। नेक्स्ट लेते हैं ऑटो इम्यूनिटी। बच्चों रेगुलर रहें, और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि गूगल टेस्ट जो है अपने ऑल्टरनेटली जो हो रहे हैं वो जरूर आप अटेम्प्ट करें, ठीक है, इस बहाने आपकी तैयारी भी होती है, ठीक है। तो यू शुड अटेम्प्ट द गूगल टेस्ट, ओके। चलिए आज ही है, 1:30 पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या है बच्चों? जनरली हमारी बॉडी में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ केमिकल्स भी प्रोड्यूस करता है, हमें अलग अलग जो इन्फेक्शन है उनसे भी बचाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारी खुद की जो सेल्स हैं उन पर अटैक करना शुरू कर देता है और उससे हमें नुकसान होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। When our immune system attacks on our own cells, ठीक है, this is called autoimmunity। जैसे कि rheumatoid arthritis, बच्चों जो rheumatoid arthritis एक डिजीज है जो गठिया है, ये एक्चुअल में एक autoimmune डिजीज है। इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी जो सेल्स हैं जो joints के अंदर उनको वो kill करना शुरू कर देता है, और इसी वजह से क्या है कि वहां पर पेन, स्वेलिंग, दर्द रहना ये सब शुरू हो जाता है। तो ऑटो इम्यूनिटी का एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड
लिम्फॉइड ऑर्गन, इसमें बच्चों फर्स्ट है प्राइमरी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इसमें बच्चों एक तो है बोन मैरो, बोन मैरो ठीक है, और एक है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड ठीक है, और सेकंड हम लेते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बच्चों स्प्लीन, एक सेकेंड बच्चों आप वेट करें, स्प्लीन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में स्प्लीन, लिम्फ नोड, यस बच्चों ध्यान से देखिए लिम्फॉइड ऑर्गन, बच्चों लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन है जहां पर लिम्फोसाइट सेल्स का प्रोडक्शन होता है एंड उसका इंट्रैक्शन होता है एंटीजन के साथ में, पैथोजन के साथ में, तो दे आर द लिम्फॉइड ऑर्गन एंड दे प्रोवाइड द इम्यूनिटी, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी ओके। तो यहां पर बच्चों प्राइमरी जो लिम्फॉइड ऑर्गन हैं बोन मेरो एंड थाइमस ग्लैंड, बच्चों बोन मेरो बोन का जो होलो स्पेस है वहां पाया जाता है, वहां पर आरबीसी का फॉर्मेशन भी होता है और अदर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन भी होता है ओके बच्चों। सेकेंड है थाइमस ग्लैंड जो हमारे हार्ट के फ्रंट में पाई जाती है, जो कि एक एज के साथ में ग्रो करती है लेकिन फिर धीरे धीरे साइज में श्रिंक होना या रिड्यूस होना शुरू हो जाती है ओल्ड पीपल में, जो ओल्ड एज के जो पीपल है उनके अंदर जो थाइमस ग्लैंड है रिड्यूस होती है, बिल्कुल श्रिंक होती है बच्चों। बोन मेरो एंड थाइमस ग्लैंड इनका वर्क है, इनका फंक्शन है, मतलब अदर बोन मेरो में अदर आरबीसी वगैरह भी बनती है, इनके अंदर लिम्फोसाइट सेल्स का प्रोडक्शन होता है, किसका प्रोडक्शन होता है लिम्फोसाइट सेल्स का प्रोडक्शन होता है बोन मेरो के अंदर एंड थाइमस ग्लैंड के अंदर ओके बच्चों। चलो नेक्स्ट लेते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो साइट्स हैं जहां पर लिम्फोसाइट सेल्स एंड पैथोजन का या इंट्रैक्शन होता है, एंटीजन का इंट्रैक्शन होता है ओके। तो उन साइट्स को हम क्या कहते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं, जिसकी स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, पेयर स्पेसेस हैं, पेयर स्पेसेस हैं ठीक है बच्चों। तो ये क्या है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं जहां पर इंट्रैक्शन होता है लिम्फोसाइट सेल्स का एंड एंटीजन का एंड आउटर एजेंट्स का ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से थाइमस ग्लैंड का मैंने आपको बताया कि ये एज के साथ में रिड्यूस होती चली जाती है, श्रिंक होती चली जाती है और ओल्ड एज पीपल के अंदर टोटली श्रिंक होती है, इसलिए ओल्ड पीपल में इम्यूनिटी पावर कम होती है और वो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों स्प्लीन है, स्प्लीन जो है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी है, वहां पर क्या कहते हैं डिस्कार्ड या डिस्पोज भी होता है आरबीसी का ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर इंट्रेक्शन भी होता है, लिम्फ नोड्स हैं ये हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम है वहां पर बीच बीच में नोड्स पाई जाती है ये, तो जहां पर इंट्रेक्शन होता है लिम्फोसाइट सेल्स का और एंटीजन का और आउटर एजेंट्स का। इसी तरीके से पेयर स्पेसेस भी है जो हमारे इंटेस्टाइन के ही पार्ट है ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक और पॉइंट है माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड
लिम्फोइड टिश्यू। बच्चों हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, हमारा जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, वहां पर जो म्यूकस सिक्रेटिंग जो पार्ट है जो वहां की लाइनिंग में, उसे उन टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, माल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? माल्ट कहते हैं। और उनका फुल फॉर्म है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। यहाँ जो लिम्फॉइड टिश्यू है वो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहलाते हैं, और ये भी हमें जो है पैथोजन से, इंफेक्शन से बचाते हैं। ओके बच्चों, तो ये लिम्फॉइड ऑर्गन्स का पार्ट था। नेक्स्ट लेते हैं एड्स। हाँ, 12th क्लास अगर आपको यहां तक के टॉपिक समझ में आए हैं तो एक बार हैंड रेज कर दें, आप एक बार हैंड रेज कर दें। नेक्स्ट लेते हैं एड्स। बच्चों एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके बच्चों, और इसका जो पैथोजन है, इसका जो पैथोजन है वो है एचआईवी। पैथोजन का नाम क्या है? एचआईवी है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके बच्चों, तो एचआईवी इज द पैथोजन ऑफ एड्स डिजीज। बच्चों इस डिजीज के बारे में आपने काफी सुना होगा, टीवी पर देखा होगा, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, 9th-10th में भी पढ़ा होगा, 12th के अंदर ये थोड़ा सा डिटेल में है ये टॉपिक। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाम से ही पता चल रहा है, एक्वायर यानी कि अर्जित, इम्यूनो डेफिशिएंसी इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होना, इसमें इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। सिंड्रोम, सिंड्रोम में है कई सारे सिम्टम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, यानी कि एक ऐसी डिजीज है जिसमें इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। सेकेंड थिंग, कई सारे जो इंफेक्शन है वो बॉडी पर अटैक करते हैं, क्योंकि बॉडी वीक है, इसलिए क्योंकि हमारे सराउंडिंग एरिया में खूब सारे पैथोजन है, तो सब के सब हमारी बॉडी के ऊपर अटैक कर देते हैं। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, एड्स इसलिए कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब पैथोजन का नाम क्या है, एचआईवी। ये एक आरएनए वायरस है। ये क्या है? एक आरएनए वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब सबसे पहले बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मोड क्या है? सबसे पहला और बड़ा और मेन जो रीजन है इस बीमारी के फैलने का वो ये है, अननोन महिला या पुरुष के साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट करना, सेक्सुअल संबंध बनाना। ठीक है, जो जो लोग अपने परिवारों से, अपने घरों से, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और वो काफी सालों तक जब दूर रहते हैं तो वो फिर एक गलत संगति में आ जाते हैं, और फिर वो अननोन महिला के साथ में या पुरुष के साथ में संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, और वहीं से एड्स का ट्रांसमिशन जो है होता है। ठीक है, क्योंकि ये पता नहीं है, किसी के चेहरे पर लिखा नहीं है किसको एड्स है, ठीक है ना, लेकिन अनजाने में ही ये जो डिजीज है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से ट्रांसमिट हो जाती है, ये बड़ा रीजन है। नेक्स्ट लेते हैं, सेकेंड ये है कि अगर किसी महिला को
अगर किसी महिला को एड्स है और वो प्रेग्नेंट है और उसके यूट्रस में बच्चा है, वो फीटस डेवलप हो रहा है, तो प्लेसेंटा के थ्रू माँ के ब्लड से ये जो वायरसेस हैं ये बच्चे में चले जाएंगे। ध्यान रखना, एड्स का जो इंफेक्शन है वो बॉडी फ्लूड से होता है। हाथ मिलाने से, साथ में खाना खाने से, साथ में बैठने से एड्स नहीं फैलता। अगर किसी एड्स पेशेंट का बॉडी फ्लूड किसी दूसरे व्यक्ति की बॉडी में चला जाता है तो ये बीमारी हो जाती है, ये ध्यान रखना। तो माँ से उसके बच्चे में इंफेक्शन जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थर्ड पॉइंट है कि महानगरों में, मेट्रो सिटीज के अंदर कई जो यूथ के जो यूथ है, युवा लड़के लड़कियां हैं, वो ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं और इंट्रावीनस ड्रग्स लेते हैं। तो फिर ड्रग्स लेते समय एक ही इंजेक्शन से ड्रग्स को जो है इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर इंट्रावीनस, ठीक है ना। और उससे क्या होता है कि मान लो किसी एक व्यक्ति को अगर वो एड्स है तो फिर उस इंजेक्शन, इंफेक्टेड इंजेक्शन के थ्रू वो ट्रांसमिट हो जाता है। लास्ट जो मेन रीजन है एड्स फैलने का वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी बीमारी से अफेक्टेड है कि उसको बार बार ब्लड की नीड रहती है, तो बार बार उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया जाता है और अनजाने में ही कई बार एचआईवी पॉजिटिव या जो इंफेक्टेड ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज हो जाता है हेल्दी व्यक्ति में और उसको फिर एड्स हो जाता है। तो ये चार बड़े रीजन है एड्स की बीमारी के स्प्रेड होने के। ओके बच्चों, बच्चों नेक्स्ट लेते हैं। मैं पहले एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, फटाफट से डायग्राम ड्रॉ करता हूं कि ये जो वायरस है एड्स का, एचआईवी वायरस, ये कैसे फैलता है, मतलब कैसे हमारी बॉडी में आने के बाद में ये मल्टीप्लाई होता है, तो इसको समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, फटाफट से अपन इसको बच्चों ये मैं डायग्राम बना रहा हूं एड्स के वायरस के इंफेक्शन के पैटर्न को समझाने के लिए।
रोहित लास्ट में बात कर लू मैं आपसे, ये डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार हैंड डाउन कर लें रोहित। हाँ बच्चों ध्यान से इस डायग्राम को देखिए। सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी अदर व्यक्ति जो एड्स से ग्रसित है उसके उसका बॉडी का फ्लूड किसी व्यक्ति के बॉडी में आ गया, तो वायरसेस जो है सबसे पहले अटैक करते हैं बच्चों मैक्रोफाज सेल्स के ऊपर, जो मैक्रोफाज सेल्स है वहां पर ही अटैक करते हैं, तो ये अपने आरएनए को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अब ये आरएनए आ गया। सिक्स चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि आरएनए से डीएनए बनना, आरएनए वायरस क्या बनाते हैं, पहले डीएनए बनाते हैं, नहीं तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। अभी जो भी वायरल डिजीजेज हैं स्पेशली कोरोना वगैरह, तो इनको रोकने के लिए ये जो मैकेनिज्म है इसको यूज किया गया था कि वायरसेस के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोका जाए। तो यहाँ पर जो आरएनए है ना बच्चों, ये बनाता है डीएनए, किस एंजाइम के द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा, और इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो डीएनए बना है वायरस के डीएनए आरएनए से, ये डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाता है होस्ट की सेल के डीएनए के साथ में, क्रोमेटिन मटेरियल के साथ में। अब जो होस्ट की सेल का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए है, जब वो रेप्लीकेट होगा मल्टीप्लाई होगा, तो वो अपने डीएनए के साथ में वायरल डीएनए को भी मल्टीप्लाई कर देगा, रेप्लीकेट कर देगा, और फिर उस डीएनए से क्या बनेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बनेंगे, और इन आरएनए के चारों ओर प्रोटीन एनवलप बनने से क्या बन जाएंगे, वायरस के पार्टिकल्स बन जाएंगे। अब ये वायरस के पार्टिकल, वायरस बाहर निकलेगा और ये अदर जो सेल्स हैं बॉडी के उनको इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, जो एचआईवी वायरस है मैक्रोफाज के बाद में वो एंटर होता है टी लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर, टी लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर जाके वो आरएनए को रिलीज करता है, उससे डीएनए बनता है, फिर डीएनए से वापस आरएनए बनते हैं और आरएनए से वायरस पार्टिकल बनते हैं, और इस तरीके से फिर इन टी लिम्फोसाइट से जो वायरसेज है वो अदर टी लिम्फोसाइट को इन्फेक्ट करते हैं, और एक्चुअली वो टी लिम्फोसाइट को डैमेज कर देते हैं। टी लिम्फोसाइट्स आर द मेमोरी सेल्स which stimulates the B lymphocytes to produce antibodies. तो जब T lymphocytes से damage होना, kill होना शुरू हो जाएगी, तो immunity power एकदम गिरना शुरू हो जाती है AIDS की disease में। बच्चों AIDS का जो incubation period है वो काफी अलग है, 5 to 10 years तक लग जाते हैं symptoms appear होने में, इतना long duration रहता है। okay बच्चों, बच्चों इस टॉपिक का, एड्स का जो रिमेनिंग पार्ट है कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, वो अपन कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। अब आप कोई भी डाउट है तो हैंड रेस कर दें।